बाद मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पिछले एक महीने कुछ साथियों के साथ हमने कारवा निकाली थी, कारवानी मोहब्बत। उसकी शुरुआत जब असम में हुई उसी के अगले दिन गौरी लंकेश की हत्या की खबर सामने आई और उस कारवां का क्या महत्व था वो और ज़्यादा हमें जाहिर हुआ। उस दौरान ये कारवां असम से झारखंड, झारखंड से कर्नाटक, कर्नाटक से दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात पहुँचे। मैं अपने दो मिनट में यही कहना चाहता हूँ साथियों कि हर जगह जहाँ हमने देखा कि वही नफरत का एक माहौल पूरे देश में फैलता जा रहा है, एक डर का माहौल। आज जो हमारे मुस्लिम भाई और बहन हैं, हमारे क्रिश्चियन आदिवासी जो भाई और बहन हैं और हमारे जो दलित भाई और बहन हैं, उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे दूसरे श्रेणी के नागरिक के तौर पे डर के खौफ से सहन कर जिंदगी गुजारे। ये वक्त है हम लोग सब अपनी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से इस तरह इसके खिलाफ खड़े हों। हमारे हमारे देश की जो कल्पना थी वो ये ऐसा देश होगा जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप इस जाति के हैं या उस जाति के, आप क्या भाषा बोलते हैं, आप क्या औरत है, मर्द है, आप बराबर के इंसान हैं, बराबर के हक रखते हैं। ये हमारा देश है और इस देश के लिए गांधी जी की हत्या हुई, इस देश के सपना हमारे संविधान में देखा गया और यही देश हमसे छीना जा रहा है। और गौरी लंकेश की हत्या इसी कारण से हुई क्योंकि उन्होंने उस विचारधारा और उन संगठनों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई जो नफरत हमें फैलाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गौरी लंकेश को आज हम जब याद कर रहे हैं, गौरी लंकेश मरी नहीं है, हम सब के साथ जीवित है और मोहब्बत, समानता, बराबरी, इंसान, इंसानियत, यही हमारा संदेश है, यही हमारे हथियार हैं। इन्हीं हथियारों से हमें नफरत और उदासी और खौफ का इस माहौल से लड़ना जरूरी है। जय भीम, जिंदाबाद, लाल सलाम, जय गांधी, जय इंसान।